भाई? आपका 2000 बैलेंस नहीं, 5000 भेजा था, 1000 बैलेंस है। आप खाता बुक ऐप डाउनलोड क्यों नहीं करते हैं? फोन खो गया तो? ऑटोमेटिक बैकअप है ना, नया फोन में फिर से लॉगिन कर लेना। खाता बुक ऐप, अब खाता हुआ खाता बुक। नमस्ते, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। 16 फरवरी रविवार को केजरीवाल ने 6 मंत्रियों के साथ शपथ ली। केजरीवाल के मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को मौका मिला है वो पिछली कैबिनेट का भी हिस्सा थे। 16 फरवरी को शपथ लेने वाले नेताओं में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम शामिल रहे। आइए अब आपको एक एक करके केजरीवाल कैबिनेट के मंत्रियों की प्रोफाइल बताते हैं। सबसे पहले बात मनीष सिसोदिया की। मनीष पटपड़गंज विधानसभा से रविंद्र सिंह नेगी के खिलाफ लगभग 3000 वोटों से जीत कर आए। पिछली सरकार में मनीष उप मुख्यमंत्री पद पर थे। वहीं मनीष पर जिन बड़े विभागों की जिम्मेदारी थी उनमें फाइनेंस, रेवेन्यू, शिक्षा, प्लानिंग, टूरिज्म, लैंड एंड बिल्डिंग, महिला एवं बाल विकास, कला संस्कृति एवं भाषा जैसे मंत्रालय थे। मनीष को अरविंद केजरीवाल का पुराना दोस्त भी कहा जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यहाँ तक है कि अरविंद केजरीवाल परछाई हैं, सरकार सिसोदिया ही चलाते हैं। आम आदमी पार्टी के बागी नेता और कवि कुमार विश्वास के अनुसार कोई भी फाइल अरविंद केजरीवाल तक जाने से पहले मनीष के सामने से गुजरती है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के नाम पर वोट मांगे। शिक्षा मंत्रालय का काम मनीष सिसोदिया ही संभाल रहे थे। दूसरे मंत्री का नाम है गोपाल राय। बाबरपुर विधानसभा सीट पर गोपाल राय ने बीजेपी के नरेश गौड़ को लगभग 33,000 वोटों से हराया। गोपाल राय उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं। पिछली सरकार में गोपाल राय पार्टी संयोजक की भूमिका में भी थे। इसके अलावा उनके पास श्रम और रोजगार मंत्रालय की अहम जिम्मेदारियां थी। गोपाल राय को मंत्रिमंडल में शामिल करने की वजह है कि वो अरविंद के सबसे विश्वसनीय हैं। 2013 हो, 15 हो या 20, केजरीवाल के साथ खड़े चेहरे बदलते रहे लेकिन एक चेहरा हमेशा रहा, गोपाल राय का। आप सरकार में गोपाल ने एक नहीं कई मंत्रालय संभाले। अनुभव है तो शायद इसी में कोई मंत्रालय एक बार फिर मिल सकता है। पिछली सरकार का काम बाबरपुर विधानसभा में इन्होंने 16 मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवाए, ड्रेनेज की सफाई, स्कूल के आधुनिकीकरण का काम। बाबरपुर विधानसभा को पहचान दिलाने के लिए गोपाल ने काफ़ी मेहनत की और लोगों की ज़रूरत पूरी करने की बात भी बताई जाती है। शपथ लेने वाले तीसरे मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र केजरीवाल के पुराने साथी हैं। इन्होंने शकूर बस्ती विधानसभा सीट से बीजेपी के एससी वत्स को करीब 7,500 वोटों से हराया। 2015 में भी सत्येंद्र ने एससी को हराया था। सत्येंद्र उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। पिछली सरकार में उन पर बड़े मंत्रालय स्वास्थ्य के साथ साथ इंडस्ट्रीज, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी जैसे बड़ी जिम्मेदारियां थी। सत्येंद्र अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से भी जुड़े थे, बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़े। पेशे से आर्किटेक्ट बताए जाते हैं। पहले सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में थे, नौकरी छोड़कर अपनी आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी फर्म खोली। सोशल वेलफेयर के कई कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के जरिए आपके महत्वाकांक्षी यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर कार्यक्रम में सत्येंद्र की अहम भूमिका रही। आपका दावा है कि 160 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहे हैं। इसके अलावा डेंगू के खिलाफ अभियान में भी सत्येंद्र की अहम भूमिका बताई जाती है। 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सीबीआई ने सत्येंद्र के घर पर छापेमारी की थी। इसे लेकर आप सरकार और केंद्र आमने सामने तक आ गए थे। आपने केंद्र पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया था। चौथे मंत्री केजरीवाल कैबिनेट के चौथे मंत्री हैं कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधानसभा से जीत कर आए हैं। उन्होंने बीजेपी के अजीत सिंह खरखड़ी को 6,231 वोटों से हराया। कैलाश गहलोत ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है। गोपाल नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली की ही इनकी पैदाइश भी बताई जाती है। पिछली सरकार में कैलाश पर कानून, ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण जैसे अहम मंत्रालय थे। कैलाश पेशे से तो वकील हैं, दिल्ली में पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो सबसे अहम मुद्दे हैं। इन दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत संभाल रहे हैं। दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री भी ली। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में 16 सालों तक वकालत का अनुभव भी है। कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ सीट को लगातार दूसरी बार जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि नजफगढ़ का इतिहास है कि अब से पहले नजफगढ़ का कोई भी नेता इस तरह का कारनामा नहीं कर पाया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर उनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने फ्री बसें, बसों में पर्याप्त मार्शल और महिलाओं की सुरक्षा यात्रा का वादा पूरा करने की बात कही है। दिल्ली का पॉल्यूशन कम करना भी कैलाश गहलोत की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगले मंत्री की बात करते हैं, राजेंद्र पाल गौतम। बॉर्डर एरिया सीमापुरी से राजेंद्र ने बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के प्रत्याशी संत लाल को हराया। राजेंद्र का जन्म जन्ना पार के ही गोंडा क्षेत्र का बताया जाता है। पिछली सरकार में इनके पास अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय था, सोशल वेलफेयर, गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी भी इनके पास थी। राजेंद्र आम आदमी पार्टी का एक दलित चेहरा है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। 2014 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आप में शामिल हुए थे। 2015 में सीमापुरी से विधायक चुने गए। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर समाज कल्याण मंत्रालय, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय, गुरुद्वारा इलेक्शन का प्रभार भी संभाला।
फिर से मंत्री के तौर पर शपथ ली है और जिम्मेदारियां यही सब मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले मंत्री हैं इमरान हुसैन। इमरान पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान इलाके से चुनकर आए। उन्होंने बीजेपी की लता सोडी को 36,172 वोटों से हराया। इमरान का जन्म पुरानी दिल्ली के ही गली कासिम का बताया जाता है। अल्पसंख्यक कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। इमरान ने जामिया मिलिया इस्लामिया से बिजनेस स्टडीज़ में बैचलर्स की डिग्री ली है। इमरान ने बल्लीमारान सीट को लगातार दूसरी बार जीत का इतिहास रच दिया है। 2013 तक ये सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ थी। कांग्रेस के हारून यूसुफ इस सीट पर 1993 से 2013 तक लगातार 5 बार जीत कर आए, लेकिन फिर इमरान ने इस सीट पर इतिहास रचा और अब तक जीतते ही रहे। ये था केजरीवाल सरकार के 6 मंत्रियों की प्रोफाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप Facebook पर हमारे साथ बने हुए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। कैमरा पर्सन मोहन के साथ मैं विपिन, शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए Instagram पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.lallantop। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।